हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोहन बैंकर फ्रॉम बैंकर बॉस्टन हॉस्पिटल और आज हम बात करने जाने वाले हैं प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम के बारे में। प्रोस्टेट का इलाज अभी ऑपरेशन के बिना भी पॉसिबल है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो प्रोस्टेट की तकलीफ कब होती है? प्रोस्टेट ज्यादातर जो मेल पेशेंट है जिसमें 40+ एज ग्रुप है, उसमें प्रोस्टेट की साइज बढ़ती है। और इस साइज बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो पेशाब का मार्ग है उसमें दबाव आता है और इस दबाव की वजह से पेशेंट अच्छी तरह से यूरिन पास नहीं कर पाता। इसके लिए क्या होता है कि पेशाब करने जब पेशेंट जाते हैं तो बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, क्योंकि उनको जोर करके पेशाब करना पड़ता है। रात को भी 2 से 4 बार उनको पेशाब करने खड़े होना पड़ता है, क्योंकि ये सब कुछ इसकी वजह से होता है कि एक बार जब यूरिन पास करने जाते हैं तो पेशाब के लिए खाली नहीं होती, अंदर थोड़ा पेशाब भरा पड़ता है, इसी वजह से दिक्कत आती है। नाउ इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? तो सबसे पहले प्रोस्टेट की जो साइज कम करने के लिए कुछ कुछ मेडिसिन आती है, उससे फर्स्ट हम ट्राई करते हैं। अगर वो मेडिसिन काम नहीं करती है तब उसको प्रोस्टेट की साइज कम करने के लिए आइदर सर्जिकल ऑप्शन, जिसमें DURP करके ऑपरेशन है जो प्रोस्टेट की को सर्जिकली प्रोस्टेट को थोड़ा कट करेगा और साइज से निकालेंगे तो उससे पेशेंट को सिम्टम में रिलीफ मिलती है। और सेकंड जो एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो बिना सर्जरी का, दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेट का रिएपरेशन, जिसके अंदर कोई भी टंग का कट सर्जरी वगैरह नहीं आता है। और इसमें क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करके प्रोस्टेट की जो आर्टरी होती है उसको कैन्युलेट करके उसके अंदर स्पेशल इनवेसिव पार्टिकल इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टेट की साइज काफी हद तक कम हो जाती है। और अल्टीमेटली आप सर्जिकली प्रोस्टेट की साइज को कम करें या नॉन सर्जिकली प्रोस्टेट की साइज को कम करें, जैसे ही साइज कम होगी प्रोस्टेट में एक प्रोस्टेट जो यूरेथ्रा है, जो उत्तर मार्ग की जो नली है उस पर दबाव आता है, वो दबाव निकाल देगा और इसकी वजह से पेशाब करने में दिक्कत आती है, चली जाएगी। सो प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बुलेशन में क्या करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एंजियोग्राफी की हुई है, ये प्रोस्टेटिक आर्टरी है और ये प्रोस्टेटिक आर्टरी के अंदर यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं ये जो वास्कुलर ब्रश दिख रहा है दिस अ प्रोस्टेट। और ये प्रोस्टेट जैसे ही हमने आइडेंटिफाई किया इसके अंदर हम स्पेशल उसके एम्बोलाइजिंग पार्टिकल इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोस्टेट की जो सेल्स है उसमें से जो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वो काफी सेल्स की साइज, मतलब जो नंबर ऑफ सेल्स रिडक्शन हो जाते हैं और साइज भी रिडक्शन दिखने लगती है। एडवांटेज ये है कि इसमें कोई भी हेयर सेशन नहीं आता है, आपने ओल्डर एज ग्रुप में मानो कि हार्ट की कोई सर्जरी केस किया हुआ है या आपको कोई ब्लड थिनर चालू है, तो ये जो चीज है ब्लड थिनर चालू हो तो सर्जरी आप नहीं करवा सकते, आपको बंद करना पड़ेगा। जब ये प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बुलेशन जो एडवांस टेक्निक है जिसके अंदर हम ये ब्लड थिनर बंद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई टाका कर वगैरह नहीं आता है, सो आप विद द ब्लड थिनर आल्सो वी कैन प्रोवाइड विद दिस एडवांस टेक्निक। अल्टीमेटली आप सर्जरी करवाए या नॉन सर्जिकल सर्जरी करवाए, नॉन सर्जिकल टेक्निक से करवाए, अल्टीमेटली पेशेंट्स को पे जो सिम्टम रेट रिलीफ मिलेगी दैट इज द आइडियल मोड ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। और प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बुलेशन में जो ऑब्स्ट्रक्शन दूर होने की वजह से पेशेंट को काफी हद तक बिना सर्जरी सिम्टम में रिलीफ मिलती है, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बुलेशन जैसी एडवांस टेक्निक आने के बाद अभी प्रोस्टेटिक प्रोस्टेट की जो सर्जिकल टेक्निक है वो भी यूज करने की जरूरत है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन टू आस्क मी आई वुड बी वेरी हैप्पी टू डू, थैंक यू।